ये देखो कागज के जूते, हमारे डिपार्टमेंट के गले में किसान से डाले गए हैं। बैंक रॉबरी, मर्डर, हफ्ता वसूली, क्या ये सब कुछ आपके वर्दी पर लगे हुए प्रमोशन स्टार्स हैं? पुलिस फोर्स में अगर फोर्स ना हो तो वो समाज के कानों में गंदी गाली बनकर गूंजने लगेगी। लुटेरों की लूट और पुलिस की छूट को जनता कभी माफ नहीं करती। जितनी जल्दी हो सके जुर्म का यह गर्म बाजार ठंडा होना चाहिए, वरना अखबारों में लगी आग जनता के दिलों को जला देगी। सर, हमने लुटेरों को पकड़ने के लिए सारे शहर में पुलिस का जाल बिछा दिया है। हर जगह नाकाबंदी कर दी गई है सर, वो हमारे हाथों से बचकर निकल नहीं पाएंगे। पुलिस का जाल बिछा हुआ है और वो निकल नहीं पाएंगे? अरे ये तो पुलिस के रटे हुए डायलॉग्स हैं। आई वांट एक्शन एंड रिजल्ट। मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि वो पकड़े गए और सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो खूनी है कौन। हम जो भी हैं, इस दौलत के मालिक हैं, जिसको कमाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। एक वो है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जनता की कमाई हुई दौलत को लूटते हैं और स्विस बैंकों में डालते हैं, और हम बैंकों को लूटते हैं। वो भी लुटेरे, हम भी लुटेरे, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पीछे जनता की जय जयकार होती है और हमारे पीछे पुलिस की हाहाकार। एक और फर्क भी है, जब वो जेल जाते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास एकोमोडेशन मिलता है, मोबाइल फोन्स मिलते हैं, पर हमें, अगर हम जेल जाएं, तो हमें मिलता है थर्ड डिग्री टॉर्चर। अरे हमें पकड़ने वाला माइका लाल है ये कौन? ना हमारे फोटो, ना हमारे फिंगरप्रिंट्स। पुलिस के लिए तो हम चारों मिस्टर इंडिया का रोल निभा रहे हैं। गई भैंस पानी में, मुर्दे की अर्थी उठाने के लिए चार कांधों की जरूरत पड़ती है, और जब तक हम चारों लोग एक साथ हैं, लोगों की अर्थियां उठती ही रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम में से एक भी पकड़ा गया तो हम कमजोर पड़ सकते हैं। अरे हमको कम करने वाला खुद ही दुनिया से कल्टी हो जाएगा। आप लोगों को तो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अब आगे किसको मिटाने का प्रोग्राम है? मिटाने का नहीं, लूट के लाने का प्रोग्राम है। किसको लूटना है? किसी की इज्जत या किसी का दिल? वो तो हमारा पार्ट टाइम जॉब है। हमारा शिकार हमसे लुटने का इंतजार कर रहा है, और उस शिकार का नाम है नेशनल बैंक। दोस्त, बादल बहुत गरज रहे हैं, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ, बारिश आने वाली है।
मैम साहब, हम आपकी कुछ मदद करें? नो थैंक्स, मैं अपनी मदद अपने आप कर सकती हूँ। करो चले, पुलिस भी काफी पीछे है। चलो चलो चलो, कम ऑन, आओ जल्दी करो, कम ऑन, लेट्स गो। क्या स्लिपिंग ब्यूटी है, हाथ मत लगाना, मैली हो जाएगी। आप लोग, ये साली दूध में मक्खी कहां से आ गई? कहां से आई? मक्खी को निकालो। <laughs>
कातिल का पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कोई कार्रवाई की? छानबीन जारी है। सर, आपको किसी पे शक है? अभी कुछ कह नहीं सकता। सर, यस, मौके वारदात से ये क्लू मिला है। ये उन्हीं चार लुटेरों में से किसी एक का है जिन्होंने सारे शहर में आतंक और लूटमार मचा रखी है। मगर इस बात का क्या सबूत है कि ये चांदी की बोतल उन चार मुजरिमों में से किसी एक की है? सर, कल रात बैंक लूट कर भागने वाले जिन चार नकाबपोशों का मैंने पीछा किया था, वो लोग इसी बंगले के आसपास आकर कहीं गायब हो गए थे। ये बोतल मैंने उन्हीं चारों में से एक के पास देखी थी। सर, इंस्पेक्टर अजय, ये बेनाम चार लुटेरे इस शहर को नहीं लूट रहे हैं, बल्कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को लूट रहे हैं। क्राइम का ग्राफ इस शहर की गर्मी के थर्मामीटर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि जनता पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालना शुरू कर दे, मैंने यह फैसला किया है कि दिल्ली से सीआईडी ऑफिसर को बुलाया जाए। बहुत शौक है ना तुझे चांदी की बोतल में शराब पीने का? पहुंच गई ना पुलिस के पास? अरे फांसी के फंदे के लिए तूने अपनी गर्दन का नाप तो दे ही दिया, खुद भी मरेगा हमें भी मारेगा। अरे कितनी बार तुझसे कहा कि अपनी कमजोरी को दीवार का पोस्टर मत बना, मत बना, मगर तू नहीं माना। लग गई ना पुलिस के हाथों। जगराल बिल्कुल ठीक कहता है। पता है तुझे, उस बोतल के जरिए पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह बू सूंघते हुए हम तक पहुंच सकती है। अब तक हम चारों ने मिलकर कितने ही महारथियों की अर्थियां उठवा दी, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी इस गलती की वजह से पुलिस की लाठियां हम लोगों की चिताओं की लकड़ियां बन जाए। अरे यार, तुम लोग खामोखा नाराज हो रहे हो, मैंने जानबूझ के हरकत तो नहीं की। अब गलती से वो बोतल वहीं पर गिर गई, और वैसे भी वो सिर्फ एक चांदी की बोतल है, कोई अलादीन का चिराग नहीं जिसमें से कोई जीन बाहर निकल आएगा और हम सबका पता पुलिस को बता देगा। अबे ओ अक्कल के दुश्मन, पुलिस को पता चल गया है कि हम में से एक है जो चांदी की बोतल में शराब पीता है, और हमारे धंधे में हमारे साए को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं। अब जब उंगली दे ही दी है तो पुलिस के साथ पंजा लड़ाने को तैयार रहो। खबर मिली है कि कमिश्नर ने किसी सीबीआई ऑफिसर को हमसे भिड़ने के लिए बुलाया है। अब देखना यह है कि पुलिस की कमान से निकला हुआ तीर कब हमारे सीने को छलनी करता है। हाय कपिल। हेलो कपिल, हाउ आर यू कपिल? कपिल, हम सबको एक साथ बुला लिया। अरे ये तो डमी है। अरे किधर गायब हो गया? वो गायब हो गया तो क्या हुआ, हम तो हाजिर हैं आपकी सेवा में। हम पांच, हमारी पांच। ए ब्यूटी, चलती क्या उठी, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। हाँ। ए, क्यों बुलाए बे? वाह क्या सिचुएशन है। कल रात हमने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, उसमें भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही थी। अचानक हीरो की एंट्री होती है। जैसे कि मेरी हीरो आगे बढ़कर एक लड़के को कि ठीक ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह दूसरे लड़के ने हीरो को पीछे से अटैक किया और हीरो ने डायरेक्ट पंच और उसकी नाक काट दी। बाकी पर्दे पे देखिए। जैसा गोरा गोरा
कपिल, आज तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम किससे सच्चा प्यार करते हो? हाँ। तुम में से किसी से भी नहीं। हाँ। तुम लोग सब मेरे टाइम पास हो। मैं सबसे ज्यादा और सच्चा प्यार जिसे करता हूँ वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहती है। उसका नाम है शीतल। आप लोग सब जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो। और किया पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। टाइम पास है। हेलो। हाँ मैं कपिल बोल रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब। हाँ बताइए। फौरन आ जाऊं? ठीक है।
इस पुलिस फाइल में ऐसा कोई क्लू नहीं है जो मुझे कातिलों तक पहुंचा सके। अब तो जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। और इस कातिल हसीना को भी ढूंढना पड़ेगा जो ना जाने कहां खो गई। हेलो, आइए मैडम आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा नहीं, सोने का मेवा चाहिए। मेवा? मेवा किस रूप में चाहिए? नेकलेस के रूप में। देखिए ये अगर आपके गले में लटका तो समझिए देखने वाले का दिल भटका। सिल्वर जुबली प्राइज है मैडम, और ये होगा आपके गले में फिट तो आप हो जाएगी सुपर हिट। गोल्डन जुबली प्राइज है मैडम। ये सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली क्या है? वो क्या है मैडम कि मैं पहले फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर था, इसलिए जरा फिल्मी भाषा बोल गया। सिल्वर जुबली यानी कि 25,000 रुपया और गोल्डन जुबली यानी कि 50,000 रुपया। तो फिर गोल्डन जुबली यानी 50,000 वाला पैक कर दीजिए। ओके मैडम, आपकी पसंद सुपर हिट। सॉरी मैडम, हम चेक नहीं कैश लेते हैं मैडम, कैश। हाँ, एक लड़की 50,000 रुपए लेकर घर से निकले तो लोग उसे एक झटके में इन कैश कर लेंगे, डायरेक्ट चेक की तरह। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फोन करके देख लीजिए, मेरा अकाउंट नंबर है 420। नहीं, हम चेक में नहीं कैश में धंधा करते हैं मैडम, कैश में। ओके, आप घर आई हुई गोल्डन जुबली लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, आपकी मर्जी। अरे सेठ जी, ये क्या किया आपने? क्यों? उसका अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए, धंधा भी थोड़ा मंदा चल रहा है, पगार भी नहीं मिली। हाँ ये भी ठीक है, लक्ष्मी तो हाथ से गई, मैं टेलीफोन करके चेक कर लेता हूँ। हेलो मैनेजर हियर। मैनेजर साहब, मैं बीएल ज्वेलर से बंसीलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात? जी आपके बैंक में एसपी अकाउंट नंबर 420 की पोजीशन क्या है? एसपी अकाउंट 420? वन सेकंड। हेलो अकाउंटेंट भाई, एसबी अकाउंट 420 की पोजीशन क्या है? ओके ओके। हेलो, 60,000 बैलेंस है। 60,000? 60,000? ओके थैंक यू। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी गोल्डन जुबली फ्लॉप हो गई। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मैंने अंडा देने से पहले भगा दिया। सेठ जी, मुर्गी आ रही है। सॉरी, मैं अपना चश्मा भूल गई थी। मैडम सुनिए, हाँ? ये आपका नेकलेस तो लेती जाइए, हम आपका चेक कबूल करते हैं मैडम। लेकिन आपने तो चेक लेने से इनकार कर दिया था, जैसे कि कोई रद्दी कागज हो। वो क्या है मैडम कि हम ग्राहक को देखकर ही पूरी बांधते हैं। इस बार जरा गलती से पूरी बन गई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपकी जो इंसल्ट हुई। कोई बात नहीं, हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है, इस धंधे में बेइज्जती तो सहन करनी ही पड़ती है। ये लीजिए आपका गोल्डन जुबली चेक, और ये लीजिए आपका गोल्डन जुबली नेकलेस। मैडम बीएल ज्वेलर्स का नाम मत भूलना, आती रहिएगा। नेक्स्ट टाइम डायमंड जुबली नेकलेस खरीदूंगी। बाय बाय बाय। मैनेजर साहब, ये चेक बाउंस कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मुझे आपने खबर दी थी कि इस अकाउंट नंबर में 60,000 रुपया पड़ा है। भाई साहब, आपके आने से 10 मिनट पहले ही इस अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए और ये अकाउंट क्लोज हो। मैं इस लड़की के चूने को सुपारी में बदल दूंगा, 50 की चोट में 50 का मरहम लगाना ही पड़ेगा। तू दिल्ली से आया ना? Oh!
ये किसी लड़की के दिल का दरवाजा नहीं, मेरे बेडरूम का दरवाजा है। ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। हाँ ये सच है कि मैं लड़कियों से जरूर मिलता हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ, और इसका सबूत मेरा ये दिल है। झूठ मत बोलो। भाई साहब, आप मुझे मुन्ना मोबाइल का पता बताएंगे? क्यों? ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। आप मुन्ना मोबाइल का पता नहीं बल्कि मौत का पता पूछ रहे हैं। मौत का पता? तो क्या यमदूत के कॉन्ट्रेक्टर है वो? अरे वो खुद ही यमदूत है। एक बार मैंने उल्टे हाथ से सलाम किया तो दोनों मेरे हाथ तोड़ दिए। अगर मैं गलती से कुछ उल्टा सूटा बोल देता तो मेरे मुंह को मार मार कर भंगार कर समान बना देता। आप मुंह को मत मरवाइए, मुंह से मत बोलिए, खाली इशारे से बता दीजिए उनका घर कहाँ है। ए चिकन मास्टर, क्या बना रहे? चिकन तंदूरी बना रहा हूँ साहब। जल्दी बना, जल्दी बना। अगर चिकन कच्चा बना है तो मैं तेरा तीखा बोटी कबाब बना दूंगा, समझे? ठीक है साहब, ठीक है। हेलो। क्या होती तू? ए, क्या मैं बोलू? सुन, सुना अभी का खंडाला। क्या करो आगे में खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। आप टिकट? हाँ साहब। जरा बाहर जाके देख, मुन्ना मोबाइल से मिलने कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। अभी देखते हैं साहब। हेलो। मुन्ना मोबाइल भाई यही रहते? यस। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। व्हाई नॉट, कम ऑन, फॉलो मी। यस। हेलो, लिंकिंग रोड पर तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान है? 16 आने सच, आपको कैसे मालूम? मुन्ना मोबाइल चर्च गेट से लेके बोरीवली तक तब माल पानी वालों के लोचे जेब में लेके घूमता है। आगे बोल, मैटर क्या है? ये लड़की मुझे 50,000 का चूना लगा के चली गई। आप तो जानते ही हैं, मैं पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जानता हूँ, चोर पुलिस के पास कैसे जाएगा? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ मोबाइल भाई। इस लड़की की ऐसी धुलाई करो, ऐसी धुलाई करो कि दोबारा अपने एरिया में नहीं दिखे। ये तो छोटा लोचा है। चलो 50,000 में मैटर डन करते हैं। ठीक है मोबाइल भाई, मुझे मंजूर है। ये दो कौड़ी की छोकरी मिलेगी कहाँ? तो चलता हूँ मोबाइल भाई। ए, क्या बोलती तू? ए शाने, तूने अपुन के एरिया में बंसी सेठ को 50,000 का चूना लगा दी? अबे ओ कटपीस, निकल ले पत्ती गली से, मैं तेरे हुल में आने वाली नहीं हूँ। भाई लोगों का निकल जाता है ऑयल, पुलिस की बंद हो जाती है फाइल। अपुन का नाम है मुन्ना मोबाइल, तू दो कौड़ी की होके मुन्ना मोबाइल से बात कर रही है? अबे अगर तू मोबाइल है ना तो मैं भी पेजर हूँ, जहाँ भी जाएगा ना घंटी बजा दूंगी। चल हवा आने दे। गर्दन काट के रख दूंगा ना तो गोल्डन जुबली की नेकलेस कहाँ से पहनेगी? छोकरी समझ के छोड़ रहा हूँ, दोबारा नजर आई ना तो श्रीदेवी का पोस्टर बना के दीवार पे चिपका दूंगा, फिर गाएगी ना जाने कहाँ से आई है, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आई कहाँ से गई। चल निकल यहाँ से। अबे ओ दो टके के, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे एरिया से आउट करेगा? तू ऐसे नहीं मानेगी।
अरे ये तुमने क्या कर दिया, इसे जान से मार डाला। अरे पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस केस। सेठ तेरे 50,000 के सामने तो कुछ भी नहीं है, ये तो रोज का काम है यार। अरे 50,000 की क्या बात कर रहे हो, ये 1,00,000 रुपए ले लो आप, लेकिन मुझे पुलिस के फंदे से बचा लो, प्लीज मुझे पुलिस के फंदे से बचा लो। एक काम कर, निकल जल्दी निकल, जल्दी निकल। सेठ जी हो गए टोटल लॉस। कमाल है टमाटर सॉस। लेट्स हैव 50-50। 50-50 चल। ठीक है डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? जब से मेरे डैडी किडनैप हुए तब से ये अक्सर बीमार रहने लगी है। तुम्हारे डैडी का किडनैप, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं। तुम तो जानते हो कि डैडी टकसाल में काम करते थे। एक साल पहले जब रात को वो घर लौट रहे थे तो अचानक कुछ गुंडे उन्हें उठा कर ले गए और तब से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके किडनैप का कुछ कारण तो होगा। इसी बात का तो पता लगाने के लिए मैं ऐसे रास्ते पर चल पड़ी ताकि किसी दिन उन बदमाशों से मेरी मुलाकात हो जाए जिन्होंने मेरे डैडी को किडनैप किया। अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे डैडी को ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी यहां कुछ बदमाशों से निपटने आया हूं। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो किसकी कायल थे। जब तक तू हमारी बात नहीं मानेगा ना तब तक हम तुझे मार मार के फटा हुआ रोड बना देंगे। हमारी बात मान ले तू भी सुखी रहेगा और हम भी सुखी रहेंगे, वरना तो यूं ही जिंदगी और मौत के बीच में लटका रहेगा। ना ही हम तुझे चैन से जीने देंगे और ना ही चैन से मरने देंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अबे ओ देशभक्त, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो तुझे मार मार कर जूते का डाई बना देंगे, कोई मोची सीने भी नहीं आएगा, समझे? क्या ये चांदी की बोतल आप ही की दुकान से खरीदी गई है? हाँ खरीदी तो गई है। किसने खरीदी है जानते हो? अगर जानता भी हूं तो आपको क्यों बताऊं, क्या आप पुलिस हैं? जी हाँ पुलिस। अगर हमने ये जान लिया कि मुजरिम ने ये बोतल आप ही के यहाँ से खरीदी है तो आपका मुंह खुद ब खुद खुल जाएगा। जी वो हमारे पास एक शंकरा नाम का ग्राहक ऐसी चांदी की बोतल बनाने का ऑर्डर दे गया है, वो आज शाम को अपना ऑर्डर लेने आएगा। अगर वो अपना ऑर्डर लेने आए तो आप आपकी दुकान की लाइट ऑन ऑफ करके हमें सिग्नल देंगे, हम आपके सिग्नल का इंतजार करेंगे। याद रहे उसको किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा सर, पुलिस से पंगा कौन लेगा। देखता क्या है, शेरा के इस बोतल में कॉकटेल भर दे। अच्छा शेरा भाई। किसका भाई, अपन को पकड़ के रिश्तेदारी पसंद नहीं, सीधे सीधे नाम लेकर बोल, शेरा नाम है अपन का, शेरा। समझ गया साहब, लेकिन लेकिन क्या, आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? पिछले मंगलवार को इस लड़की का रेप कर दिया गया, फिर इसे इसकी मां के साथ मार डाला गया। इस चांदी की बोतल वाले और इसके साथियों ने मिलकर ये नीच हरकत की है। बुरा मत मानना साहब। अरे वो बदमाश इस नाजुक लड़की को कैसे छोड़ सकता है? अरे इसकी सुंदरता पर तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। मुझे क्यों मारते हो? तेरी क्या बहन लगती है? हाँ। मैं बहन लगती है समझे? Thank you.
मेरी बोतल तैयार है। हाँ सर। ये लीजिए। क्या बात है, आज ये लाइट जलबुझ क्यों हो रही है? तब वो कुछ कनेक्शन लूज हो गया। अच्छा, एक सुन, इस बोतल की इंक्वायरी करने के लिए कोई पुलिस वाला तो नहीं आया था? नहीं साहब, अगर आता भी तो हम थोड़ी कुछ बताते। अच्छा चल। सर जी, क्या ऐसी एक बोतल तुम्हारी दुकान से कोई और खरीद कर गया है? हाँ साहब, अभी एक आदमी यहाँ से ऐसी एक बोतल लेके गया और उसके पीछे पुलिस भी गई। पुलिस? क्या आप भी पुलिस वाले हैं? अरे नहीं सेठ, नहीं, पुलिस से तो अपन बहुत दूर रहते हैं। सेठ एक बात बताना, जिस आदमी ने यह बोतल खरीदी वो किस तरफ गया? वो उस तरफ गया साहब। थैंक यू। डार्लिंग रुक जाओ। हाय जानेमन, तुम और यहाँ? मैं किसी का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ जो अभी अभी अंदर गया है। जानेमन, ये तो यहाँ हर रोज आता है जुआ खेलने को। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हो सकता है ऐसी जगहों पर मुझे उन बदमाशों का पता चल जाए जिन्होंने मेरे पिताजी को किडनैप किया है। लेकिन तुम क्यों इसका पीछा कर रहे हो? उसके पीछे आने का भी कोई मकसद है? खैर छोड़ो, तुमसे मिलने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ कोई ऐसा तमाशा करें कि कोई हंगामा खड़ा हो जाए। कहानी सुन ले तो रानी, कानों में आके
हाँ, ये गेम तेरा है। एक मिनट, मेरे पास भी चिनक्के हैं और ताश की एक गड्डी में छह इक्के कभी नहीं होते। इसका मतलब है कि तूने बेईमानी की है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, बेईमानी मैंने नहीं तूने की है। क्या बोला रे तू? मेरे को बेईमान बोला? शेरा को बेईमान बोलने वाला इस दुनिया में ही नहीं रहता। तुम्हें क्या लेना देना? अरे लेना देना की बता ले, क्यों मारे जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बच गया साला। सब भगवान की कृपा है। हेलो शंकरा, आज कौन सा दिन है? अब कौन है जो वक्त पूछ रहा है? मौत का कोई वक्त नहीं होता, बताओ आज कौन सा वार है? क्या मुसीबत है यार, आज मंगलवार है। तुम कौन हो और आखिर मुझसे चाहते क्यों? मैं इस वक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, चलकर अपनी मौत का स्वागत करो। बुके में भी बम है, फौरन इसे दूर फेंको और घर से दूर भागो।
सर, लाश की जेब से ये चांदी की बोतल और ये कार्ड्स मिले हैं। ओ, ये चांदी की बोतल तो वही लगती है जो इससे पहले मर्डर और रेप केस में मिली थी। यस सर। कई मकतूल का ताल्लुक उन चारों लुटेरों से तो नहीं? मिस्टर जगराल, मिस्टर धामक, मिस्टर बांकेला, हो सकता है ये तीनों मकतूल को जानते हों। इंस्पेक्टर। यस सर। पहले इन तीनों के बारे में छानबीन करो, ये कौन है, क्या करते हैं और मकतूल से इनका क्या ताल्लुक है। मेरा इन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। राइट सर। बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? बस समझ लीजिए आपसे ही मिलने आया था। अब हमसे मिलने क्यों आए? मकतूल शंकरा की जेब से आप लोगों के विजिटिंग कार्ड मिले हैं। बिना तालुकात के कोई किसी के विजिटिंग कार्ड अपनी जेब में नहीं रखता। वो इंस्पेक्टर साहब, वो हमारा बिजनेस पार्टनर। हमारा बिजनेस पार्टनर। भाई दिव्य, क्या बिजनेस क्या है आपका? हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, प्लॉट खरीदते हैं और बिल्डिंगें बनाते हैं। इसके अलावा मेरी एक ज्वेलरी शॉप भी है। ये चांदी की बोतल मकतूल शंकरा की लाश की जेब से मिली है, क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? नहीं, ऐसी बोतल तो शंकरा के पास थी नहीं, नहीं। है ना? नहीं। इससे पहले भी पुलिस को एक रेप और मर्डर के मौका वारदात से ऐसी ही एक बोतल बरामद हुई थी। पुलिस को यकीन है कि ये बोतल उन चार लुटेरों में से किसी एक की है। आप लोग भी चार थे, अब तीन रह गए। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि जिस बेनाम कातिल ने शंकरा का खून किया है उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए शंकरा की जेब में ये बोतल डाल दी ताकि पुलिस हम पर शक करे। हो भी सकता है, बगैर सबूत के ना हम कातिल को कातिल कह सकते हैं ना लुटेरे को लुटेरा। ओके, सी यू लेटर। लेकिन शेरा जी, पुलिस आपको क्यों तलाश कर रही है? अपना वो क्लब में शंकरा से लफड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है किसी पुलिस के खबरी ने टिप दी होगी। हमारे लिए कुछ हुक्म? शेरा अपना शिकार खुद तलाश करता है, मुझे तो उसकी तलाश है जो शंकरा को क्लब में से बचा कर ले गया। शेर के मुंह में हाथ डालकर शिकार छीनने वाला आखिर कौन हो सकता है? पुलिस को जिस चांदी के बोतल वाले की तलाश थी वो मरने वाले शंकरा की ही है। किसी बेनाम कातिल ने बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। उसकी जेब से वैसी ही चांदी की बोतल मिली है जो ये साबित करती है कि मरने वाला शंकरा उन चार लुटेरों में से एक था। ये लाश लावारिस है, इसे लेने के लिए कोई नहीं आया? ये लाश लावारिस नहीं है, इसके तीन बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके नाम है जगराल, थामक और बांकीलाल, और इन तीनों के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के कारोबार हैं। हमें उन पर शक है पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हो सकता है ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं। लीगल बिजनेस की आड़ में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो। अबे मौत तो एक झटके की चीज है, जीना सीख जीना। हम तुझे ऐसा जीवन देंगे कि तू हमेशा हमेशा के लिए मौत को भूल जाएगा, बस तू हमारे लिए सिर्फ डाई बना दे, चल शाबाश। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा। तुम लोगों को जो करना कर लो। तुम लोगों ने तो हंसते खेलते मेरे परिवार को उजाड़ दिया, उन लोगों को तो यह भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि इसकी एक जवान बेटी भी है। होना, अगर ये पारस हमारे हाथ लग जाए ना तो हमारे लिए सोने की टकसाल साबित हो सकती है। वो नहीं, ये वाला, ये। हेलो, हाँ जी, तो आज भी भिजवा देना, तो आज ही ले जाना, कोई बात नहीं। हाँ जी, जगह सही है। हाँ। वेलकम, स्वागतम, खुशामदी। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? अजी, खिदमत तो खिदमतगार करते हैं, हम तो हीरो से प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, क्या अंदाजे गुफ्तगू है। अब बताइए बताइए, मैं आपके हुजूर में क्या पेश करूं? ये भाई खाली पीली की मगजमारी छोड़,
और सीधे लाइन पे आ और आधी पेटी का हीरा दिखा मैडम को। रॉन्ग नंबर है यार। ये है कोहिनूर का पोता, 50,000 रुपए में 50,000 बार चमकता है। ए भाई इतनी लंबी मत छोड़ के हाथ से छूट जाए। हम लोग घर में जलाने का ट्यूबलाइट खरीदनी है, असली हीरा खरीदने आए, असली हीरा। बाद में जनाब ये असली हीरा ही है, हम फिल्मी हीरो के डुप्लीकेट की तरह डुप्लीकेट हीरा नहीं रखते। वाह ये वाकई असली हीरा है जी। इसी तरह का दूसरा हीरा भी चाहिए हमें। दूसरा हीरा? ए भाई हम लोगों के साथ में राम और श्याम का चक्कर है, राम जो हीरा राम को चाहिए वही श्याम को भी चाहिए। मतलब जुड़वा भाइयों के लिए जुड़वा तोहफा। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही पीस है। अरे एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए मेरे भाई। हाँ तो वही ढूंढ रहा हूँ। ये हीरा तो हम लेंगे ही, लेकिन किसी तरह दूसरे का इंतजाम करो, उसके लिए हम 5,00,000 रुपए देने को तैयार है। 5,00,000? मुंह बंद कर भाई, गुटके की आवाज आ रही है। पहले इसको आधा बेटी दे दे और ये डायमंड पैक कर। मैं कहीं से भी दूसरा हीरा खरीद कर आपको फोन करूंगा। आपका फोन नंबर? अभी जो नोटों की गड्डी मैंने तेरे को दी है ना, उसके पहले नोट पे जो नंबर है ना उसमें 2 0 लगा देना, अपना मोबाइल नंबर हो जाए। आपका नाम? भाई लोगों का निकल जाता है ऑयल, पुलिस वालों की बंद हो जाती है फाइल, अपन का नाम मुन्ना मोबाइल। ठीक है सब ठीक हो जाएगा भाई। वरना नहीं ना, बात कर लूंगा। ओके ओके भाई। राम और श्याम 5,00,000? अबे फोन रख, बहुत हो गया, चल रख दे। मालिक आया का? वहाँ है सर। हाँ बाद में कर लेना, बाद में कर लेना फोन। ओके आपकी क्या सेवा करूँ? सेवा वेवा छोड़ो यार, सीधे पॉइंट पे आओ। ये हीरा बेचना है, देख लो। कितने का बेचना है? 4,00,000 में। क्या गेट ऑफ इंडिया बंद कर, कुछ ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत तो 50,000 रुपया है। लेकिन आपको ये 4,00,000 में बेचना है। तुम्हारा कमीशन पक्का, लेकिन माल आज ही बिकना चाहिए। इसको शोकेश में रखे रहो यार, तुम्हारे पापा क्या जाता है? ठीक है साहब, कमीशन के लिए तो हम अपने बाप को बेच डाले, ये तो हीरा है, अगर बिक गया तो कांटेक्ट कहाँ करें? अपन चलता फिरता मोबाइल है, खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ भाई। अबे चल फोन रख, मुंह से बात कर, यहाँ तक बात आ रही है। फोन रख बे, समझता नहीं, आगे चमाट मारूंगा साले। रख फोन, अबे फोन रख। आइए बाकेलाल जी, आइए। क्या बात है बाकेलाल जी, आज कुछ परेशान लग रहे हैं? अब क्या बताऊं मेहता, आजकल धंधा भी मंदा चल रहा है, ऊपर से कस्टमर्स की डिमांड भी। मेहता जरा वो हीरा तो बता। अरे अरे ये हीरा तो मुझे चाहिए था। मेहता मैं इस हीरे को खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ खरीद लीजिए, 4,00,000 का है। क्या 4,00,000? अरे ये हीरा 50,000 का है। मुझे मालूम है, हमारे यहाँ रेट फिक्स है, अगर आपको चाहिए तो लीजिए वरना आपकी मर्जी, लेकिन इसकी कीमत तो 4,00,000 रुपया है। अपनी पार्टी 5,00,000 में तो वो हीरा खरीद ही रही है, 4,00,000 इसे देने के बाद भी 1,00,000 का फायदा तो मुझे होगा ही। क्या सोच रहे बाकेलाल जी? मेहता मैं सोच रहा हूँ कि ये हीरा मैं 4,00,000 में खरीद ही लेता हूँ। पैसे भिजवाता हूँ। ठीक है। भगवान राम और श्याम जब भी देते छप्पर फाड़ कर देते हैं। चलो ओके ओके, मिलेंगे ना धोके। चले दरवाजा खोलो। हाँ जी भाई। हाँ बाद में बात करो, बाद में बात करो। ओके मुन्ना मोबाइल मिस शीतल पेजर। हाय। क्यों 4 पेटी की टोपी कानों तक पहना दिया ना बागेलाल जी को? क्या आपको कैसे पता चला? मुन्ना मोबाइल कान पे लगता है तो सब सुन लेता है, जब आपकी टीवी खोलता है तो सब देख लेता है। चल मार ले लगर। और अपना कमीशन काट लेना, क्योंकि हम कुत्तों को हड्डी डाल देते हैं। मैं कुत्ता नहीं हूँ समझी? तो फिर तुम क्यों ला रहा है? पीछे मत देख आगे देख। जल्दी पैसे निकाल।
फिर क्यों मिलेंगे? मेहता को शिंडी लगाने के लिए? शिंडी वहां नहीं, यहाँ लगती है। हाँ भाई। 4 लाख का हीरा 5 लाख में बिके तो किसे बुरा लगता है, मगर उसका फोन नंबर गड्डी के पहले नोट के नंबर पे 20। हेलो, मैं बाकेलाल बोल रहा हूँ, वो दूसरा जुड़वा हीरा मिल गया है। हीरा मिल गया? मगर क्या करें यार, जुड़वा भाई मर गया ना उसका। क्या? अरे मुंह बंद कर, गुटके की बदबू आ रही है। अरे मगर हीरा रखे रहो यार, तुम्हारे काम आएगा ना भैया। इसका मतलब है 4 लाख की शेंडी। अब आपका नाम क्या है जनाब? माई नेम इज मुन्ना मोबाइल। वल्ला क्या नाम है? शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो अनवर सागर फरमाते हैं, इरशाद, ए सलाम उसको ये मोबाइल बनाया जिसने, नया सिस्टम ये मोहब्बत का चलाया जिसने, दुआ देते हैं तुझे दिल के लगाने वाले, तू सलामत रहे मोबाइल बनाने वाले। बातों में मजा आएगा, लबों रुखसार
की बातों में मजा आएगा। दिल की बातें कह डालो मिला के यार का नंबर, इसलिए तो कह रहा हूँ तो एवरी डे तुम प्यार करो महबूबा से खुल कर, एवरी डे तुम बात करो महबूबा से दिन भर, प्यार करो मोबाइल से बात करो मोबाइल से, प्यार करो मोबाइल से बात करो मोबाइल से, ना घर वालों से खतरा ना है दुनिया का डर, तो एवरी डे तुम प्यार करो महबूबा से खुल कर, एवरी डे तुम बात करो महबूबा से दिन भर, प्यार करो मोबाइल से बात करो मोबाइल से, प्यार करो मोबाइल से बात करो मोबाइल से। जल्दी आओ। अरे चलो हमारे साथ रानी। बचाओ, बचाओ! रुको रुको। हेलो कपिल। हाँ। लफड़ा हो गया? बोल। इधर को कुछ गुंडे उठा के लेंगे। क्या? तो फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। ओके। शाबाश। इसको कहते हैं जिगरा। चूहा भी अगर जिगरा रखे तो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है, मगर तू चूहिया है, हम बिल्ले। म्याऊं। चूहिया? जगराल ये चूहिया नहीं है, ये लोमड़ी है, लोमड़ी। अरे हम लोग लोगों को कान तक टोपी पहनाते हैं, मगर ये मुझे 5 लाख का टोपा पहनाकर चली गई। टोपा? ए, अगर हम चाहें तो तेरे 5 लाख के पटाखे फोड़कर तेरी बारात निकाल सकते हैं, हमें से कोई तेरा पति भी बन जाएगा। क्यों? कैसी रहेगी ये सजा मिस शीतल? तुम लोग इसका नाम कैसे जानते हो? हम लोग इसका नाम ही नहीं, इसकी सारी जन्म कुंडली जानते हैं। ये उसी आलोक की बेटी है जिसको हमने कैद करके रखा है। आगे तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तेरे जरिए हम तेरे बाप से एक सौदा करना चाहते हैं। मेरी डैडी? मेरी डैडी कहाँ है? वो बुड्ढा हमारे कब्जे में है, हम उससे 500 रुपए की डाई बनवाना चाहते हैं। हाँ, और इस काम में तू हमारी मदद करेगी। तो तुम लोग वही हो जिन्होंने मेरे डैडी को किडनैप किया था? बिल्कुल ठीक, you're absolutely right, baby। हम ही वो शरीफ ज़ादे हैं जो तेरे बाप को उठाकर ले गए, और अब हम चाहते हैं कि एक बिछड़ी हुई बेटी को उसके बाप से मिलाया जाए। सच? क्या मैं अपने डैडी से मिल सकूंगी? डैडी? बेटी, तुम यहाँ इन लोगों के बीच? ए, बहुत हो गया ये मधुर मिलन। इस मिलाप की वजह जानना चाहते हो? तुम्हारी बेटी हमारे पास रहेगी फिक्स डिपॉजिट की तरह। अब अगर तुम इसे कैश करना चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना हो। इधर तुम्हारे 500 रुपए की डाई हमारे हाथ में आई और उधर तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में गई। और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी की जिंदगी बाउंस चेक की तरह फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा कभी मत करना। तुम लोग चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी पे कोई जुल्म नहीं करना। नहीं डैडी, आप इनका कहना मत मानिए। नहीं बेटी, इन लोगों ने अब जान लिया है कि मेरा परिवार ही मेरी कमजोरी है और मुझे तुम्हारी जिंदगी सबसे प्यारी है। और हमें प्यार है 500 के कड़क कड़क नोटों से। हमारा प्यार हमें दे दो और अपना प्यार ले जा। बैडील, मैं तुम लोगों को बहुत प्यार से मारूंगी, तुम तीनों अब जिंदा नहीं बचोगे। ओह माय गॉड, इतने सारे गहने! ओह माय गॉड, आप भी तो मुझे सर से पांव तक हुस्न की दौलत का ब्रीफकेस लग रहे हैं। मेरा नाम मोना है। लेकिन आप मुझे चमकता हुआ सोना लग रही हैं। मेरा नाम गौशा है, सिंगापुर से आया था ताजमहल देखने।
लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि आप उसे क्या देखूं। ये लाखों का माल आप हाथ में लिए ऐसे क्यों घूम रहे? ये लाखों का नहीं मैडम, करोड़ों का है। अच्छी पार्टी की तलाश में हूँ। यहाँ अच्छी लड़कियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी पार्टियाँ नहीं। अगर मैं चाहूँ तो आपको पार्टी दिला सकती हूँ। तो जल्दी से मिलाइए, कमीशन में मैं आपको ताजमहल खरीद के दे दूंगा। मुझे ताजमहल नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं आपको कुतुब मीनार दे दूंगा। जो चाहिए वो मैं ले लूंगी, पहले पार्टी से तो मिल लीजिए। डन। वेलकम वेलकम टू इंडिया मिस्टर गारशा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारे आने की खबर आपको कैसे हो गई? हमारी मोबाइल सेक्रेटरी मोना किसी को यहाँ लाने से पहले उसका बायो डाटा हमें जरूर दे देती है। वेरी स्मार्ट मिस्टर गारशा। ये है मिस्टर जगराल ढामक बाखेलाल। वेरी गुड, आपको हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ? वेरी सिंपल, हमारे पास कोई मोबाइल सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन किसी से मिलने से पहले हम उसका पूरा बैकग्राउंड मालूम करते, फिर उससे मिलते हैं। और हम भी जानते हैं कि सिंगापुर की पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। और हम भी ये जानते हैं कि आप लोग पुलिस की ब्लैक लिस्ट में हो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम जेल तोड़ने में माहिर हो और सिंगापुर की जेल तोड़ कर यहाँ आए। और तुम लोग वो बैंक लुटेरे हो जो नाम और बिजनेस बदल कर शरीफों के साथ शरीफ बनकर रहते हो। बोलो तो और कुछ है? नहीं, काफी अच्छा परिचय हो चुका है। एक खूबसूरत परिचय बाकी है, कहीं मिस ना हो जाए। ओ ये मिस शीतल है, हमारे काम में हाथ बटाने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। बहुत अच्छे, आपके ट्रेनिंग कोर्स में काफी खूबसूरत चेहरे हैं। मिस्टर जगराल, ये माल मैं आपके हवाले करता हूँ, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मिस्टर गार्शिया, हम लुटेरे जरूर हैं, लेकिन जो भी हमारा बिजनेस डीलर बन जाता है ना, हम उसे कभी नहीं लूटते। आप आंखें बंद करके हम पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो इतने खूबसूरत चेहरे कैसे देख पाएंगे? प्यार करने वालों का ये एक नया स्टाइल है। क्यों जाने मन, पसंद आया मेरा स्टाइल? मिस्टर गार्शा, उठवा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही ले जाइए। समझ लीजिए कि हमारी तरफ से दोस्ती का तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह बाकी, क्या नसीब है तेरा, ये क्या जिंदगी है अपनी, नोटों के पीछे, शराब के पीछे और अब गोली के पीछे, क्या है? अरे ये तीनों पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अरे अरे, इस गाने को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, अभी नहीं पहचाना क्या? मैं बाके बोल रहा हूँ। आज कौन सा दिन है बाके लाल? अरे यार, ये सवाल फोन पे पूछने का नहीं है, कैलेंडर में देखने का है। मैं देखना नहीं, सुनना चाहता हूँ। बोलो कौन सा दिन है आज? मैं तो खोली के पीछे पड़ा था, मगर ये साला तो मेरे ही पीछे पड़ गया। हे, आज मंगलवार है, सुना क्या? अच्छा शुक्रवार नहीं है, नहीं तो कोई भी साला मानने आ जाता। दिल में दूंगा मेरे यार को, प्यार को।
मैं भी कितना पागल हूँ, सारा मेरे पीछे कौन पड़ेगा? क्या मैं बाके बोल रहा हूँ? आज कौन सा दिन है बाके लाल? अरे यार, ये सवाल फोन पे पूछने का नहीं है, कैलेंडर में देखने का है। मैं देखना नहीं, सुनना चाहता हूँ। बोलो कौन सा दिन है आज? मैं तो खोली के पीछे पड़ा था, मगर ये साला तो मेरे ही पीछे पड़ गया। ए, आज मंगलवार है, सुना क्या? इस फोन करने वाले पर कातिल होने का शक इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये मंगल का दिन पूछ रहा था। आपके पार्टनर शंकरा का खून भी मंगल को हुआ था। ये दोनों ही खून मंगलवार को किए गए, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो कातिल शनि बनकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, आप मंगल को देखने की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पार्टनर की दौलत हथियाने के लिए आप दोनों ने उसका खून कर दिया हो? वाह इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आप फोन करने वाले पर कातिल होने का शक कर रहे थे, अब आप हमें भी शक कर रहे हैं? कमाल है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल अपनी आवाज बदल कर फोन पर नाटक भी तो कर सकता है। शक करना पुलिस का पैदाइशी हक है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमने कातिल की एक झलक देखी है, अगर हम उसे दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बेनाम कातिल को पकड़ना आपका काम है, हमारा नहीं। वो ऐसी ठीक है, मुझे अगर आप लोगों से कोई और पूछताछ करनी होगी तो आप लोगों को ऑफिस बुलवा लूंगा। ओके, श्योर। आप इंस्पेक्टर अजय सर, तुम्हारे शक की बुनियाद पर कि जगराल और धामक ने अपने पार्टनरों की दौलत हथियाने के लिए उनका खून कर दिया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने ये वारंट जारी किया है, तुम उन्हें गिरफ्तार कर सकते। सर, जब पुलिस का थर्ड डिग्री टॉर्चर मुर्दों तक को बोलने पर मजबूर कर सकता है तो फिर इन मुलजिमों को भी मुजरिमों की बोली बोलने पर जरूर मजबूर कर देगा। एक बार ये लोग गिरफ्तार होकर पुलिस लॉकअप में आए तो फिर देखिएगा। सर, ले जाके दोनों को। चलो अच्छा हुआ पुलिस के इतने टॉर्चर सहने के बाद भी हमारे जुबान का ताला नहीं खुला। कितने दिनों तक हम इस ताले को खुलने से बचा सकते हैं धामक? पुलिस की मार और तलवार की धार से आज तक कोई नहीं बचा। अब करेंगे क्या जगराल, आज तो बच गए, लेकिन अगर रोजाना हमें ये लोग ऐसे ही पीटते रहे तो हमारी जुबान तो जुबान, हमारे शरीर के स्पेयर पार्ट्स तक बोलने लगेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? अगर हम किसी भी तरह से ये जेल तोड़ के भाग सके ना धामक, तो ही बच सकते हैं। अगर ये काम हमारे बस का नहीं है, ये काम सिर्फ वो काशा ही कर सकता है। पर हमारा पैगाम उस तक पहुंचाएगा कौन?
अरे मोना, तुम क्या सही वक्त पर आई हो? क्या बात है, आप मुझे देख के इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? क्योंकि तुम ही हमारी तकलीफों का इलाज हो। मोना, एक काम करो, तुम फौरन जाकर उस कारशा से मिलो और उससे कहो कि हमें इस जेल से फौरन बाहर निकाले, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आज ही कारशा से मिलती हूँ। कारशा। तुमिया। हाँ। जगराल और धमक इस वक्त जेल में हैं। तुम बेफिक्र रहो, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। हेलो कंट्रोल रूम। अभी डॉक्टर हमारे साथ था, कहाँ गायब हो गया? तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन पुलिस तुम्हें भी तो ढूंढ रही होगी। अरे इंडिया से सिंगापुर तक पुलिस का काम है मेरी तलाश करना, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। बोल क्या लफड़ा है? क्या जगराल और धामक जेल से भाग गए? लेकिन कैसे? गारशा, ये नया पंटर गारशा कौन है जो उन दोनों को जेल से भगा कर ले गया? ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा इन दोनों को। हाँ आज कौन सा दिन है? तो तू वही हो, पाकेलाल और शंकरा के कातिल। हाँ, तूने ठीक पहचाना, आज तेरी बारी है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू क्या बिगाड़ सकता है? बिगाड़ना तो आज के दिन को है। बोल कौन सा दिन है आज?
मंगलवार है। Come on, आग बुझाओ जल्दी। उस बेनाम खातिल ने मेरे दोस्त धामक को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, वो बच गया, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल में है। मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा, अगर वो मर गया ना तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो जगराल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे इस वक्त हॉस्पिटल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे। इससे पहले कि वो बेनाम कातिल हॉस्पिटल पहुंचकर धामक को फिर से मारने की कोशिश करे, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि वो बेनाम कातिल है कौन। ओके। बड़ा सख जान निकला धामक, सूखी लकड़ी की तरह जल जाने के बाद भी जिंदा बच गया। का मुंह अगर पुलिस के सामने खुल गया तो लफड़ा बहुत लंबा है। डॉक्टर, वार्ड नंबर 7 की पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तुमने उसका ब्लड लिया? सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और सिर्फ बाहर वाली गेट पर नजर मत रखना, बैक डोर पर भी ध्यान रखो। कातिल कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एकदम अलर्ट रहो, अलर्ट। हॉस्पिटल के गेट से लेकर हर वार्ड के आगे पीछे पुलिस का पहरा बिछा दो। हमने अखबार और टीवी सब जगह ये खबर फैला दी है कि धामक पुलिस को बयान देने वाला है। ये कातिल के लिए हमारा एक ट्रैप है, वो उसका मुंह बंद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए अपनी आंख और कान खोले रखो। आज वो हमारे यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज, अंडरस्टैंड जी? अरे ये क्या, इतना खून? आइए आइए मेरे साथ। हाँ। आइए। टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, ओके? थैंक यू। चलो। किसी ने बम रखा था क्या? लगता है किसी ने जानबूझ के हरकत की है। ओह माय गॉड, आओ। कौन हो
देखना चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मारना चाहते हो? तेरी है मौत, तेरे लिए सवाल बन के रहेगी। मैं ही वो बेनाम कातिल हूं जो उन पापियों के खून से उस चिता के बदले की आग को बुझा रहा था। वो चिता जिसमें मेरी मां और बहन की लाशें जली थी। राखी बंधवाने वाले ये हाथ उस बहन को उन दरिंदों के बलात्कार से नहीं बचा सके। वो मां जिसने अपना खून पिलाकर मुझे पाला था उसे भी बचा ना सका। जिस दिन मैंने अपनी मां और बहन की चिता को आग लगाई थी उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक बेनाम कातिल बनकर उन दरिंदों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारूंगा। यह सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन पुलिस कमिश्नर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मिस्टर कपिल, आप इस शहर के एक बाइज़र शहरी हैं और आपकी फैमिली से मेरे बहुत ही करीबी संबंध हैं। इसलिए इस बुरी खबर को सुनाने के लिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ कातिलों ने आपकी माँ और बहन की हत्या कर दी। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा हम उनकी लाशें आपके हवाले कर देंगे। मेरी माँ और बहन को लाशों में बदलने वाले हथियारे कौन है? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, पर पुलिस उन कातिलों की तलाश कर रही है। वैसे मेरा शक उन चार लुटेरों पर है जो शहर में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मौकाए वारदात पर यह चांदी की बोतल बरामद हुई। यह बोतल उन चारों में से किसी एक की ही है और इंक्वायरी से यह भी पता चला है कि उन चारों में से कोई एक इसी बोतल में कॉकटेल बनाकर पीता है। कैन आई हैव दिस? व्हाई नॉट? अब मेरा आखिरी शिकार है जगराल। बहुत जल्द वो भी मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अगर आज थामक तुम्हारे हाथों से नहीं मरता तो शायद मैं उसे मार डालती। क्यों? जिन लोगों ने बाप और बेटी को अलग किया है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेहंदी लगाने वाले ये हाथ किसी पापी के खून से रंग नहीं सकते। यह काम तुम्हारा नहीं मेरा है। शंकरा मारा गया, भाकेलाल मारा गया, थामक मारा गया। लगता है अब मेरी बारी है। मेरे सारे के सारे दोस्त मारे गए। ये बेनाम कातिल कौन हो सकता है? मैं तो नहीं हूं, ये मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूं। देखो काशिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। हमें सीरियसली अपने आप को बचाने के लिए सोचना चाहिए। तुम सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसी महफूज जगह में पहुंचाऊंगा। पुलिस तो पुलिस, कातिल भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तो फिर पहुंचा दो ना मुझे उस जगह। देखो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे मालामाल करने की बात छोड़ दो, बहुत जल्द तुम खरोपति बनने वाले हो। वो कैसे? मैंने शीतल को राजी कर लिया है। वो अपने पिताजी से 500 रुपए वाली डाई तैयार करा देगी। सच? जी हाँ, मेरे कहने पर मेरे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? जल्द से जल्द जाकर अपने पिताजी से मिलो और उनसे कहो कि डाई तैयार करते हैं। अगर ये काम हो गया ना तो मैं आने वाली दौलत से मौत को भी खरीद लूंगा। अब तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हाँ। क्या इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करोगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर। हैया हैया हो हो, हैया हैया हो हो, हैया हैया हो हो, हैया हैया हो हो।
मुझे धोखा देकर यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? डैडी, सब कुछ जानता हूँ मैं। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काशा, तुम कौन हो? मैं वो बेनाम कातिल हूँ जो तेरे तीन साथियों को मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन क्यों? याद कर, तुम चार दरिंदों ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया था। अब तुम्हारी बारी है जगराल। मेरे हाथों मरने से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। जहन्नुम में जा तो जहन्नुम में, समझे? लेकिन इस दौलत में मेरा भी हिस्सा है। मोना, आज मैं तुझे ऐसा सोना दूंगा जो जिंदगी भर रहेगा तेरे साथ। सीधा नरक तक जाएगा। चलो चलो, छोड़ दे मुझे। सीबीआई ऑफिसर, कमिश्नर साहब ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मां और बहन का कत्ल हो गया। मैं उन मुजरिमों को सबूत के साथ पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले एक के बाद एक तुमने उनका खून कर दिया।
तुमने उन दरिंदों को मारकर समाज की तो सेवा की है, मगर कानून की नजरों में तुम एक मुजरिम हो। कपिल, मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। मेरा मकसद पूरा हो गया, अब कोई भी सजा मिले मुझे मंजूर है। कपिल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।